मुझे लगता है तुम्हें अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें घर पे अपनी माँ का हाथ बटाना चाहिए। पिताजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने समाज के काम आना चाहती हूँ। कोई फायदा नहीं इन बातों से। तुम्हें घर के कामों पर ध्यान देना चाहिए। अब तुम्हें जितना पढ़ना था बहुत पढ़ लिया। पिताजी, क्या हुआ प्रिया? तुम अकेले क्यों बैठी हो? क्या हुआ प्रिया? आज अकेली क्यों बैठी हो? अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलोगी? खेलूंगी। क्या हुआ प्रिया, तुम मुझे बताओ। मैं अकेले बैठकर कुछ सोच रही हूँ। क्या मुझे नहीं बताओगी तुम क्या सोच रही हो? मैम, आज मुझे बुरा महसूस हो रहा है। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाने से मना करते हैं। उन्हें लगता है पढ़ना फिजूल का काम है। मुझे बहुत दुख हुआ आज ये सुनकर। प्रिया, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहते। अगर वो ऐसा सोचते तो तुम्हारा एडमिशन ही क्यों कराते? वो रोज तुम्हें स्कूल छोड़ने आते हैं, है ना? हो सकता है उन्हें लगता हो कि तुम्हें घर के काम भी आने चाहिए, इसलिए वो ऐसा कहते हो। तुम्हें याद है ना, पिछले साल कितनी बारिश हुई थी? तुम्हारे पिताजी तुम्हें नियम से स्कूल लेकर के आते थे, याद है ना तुम्हें? जी मैम, याद है। पर फिर अब वो क्यों मना करते हैं मुझे पढ़ने से? दुखी ना हो बेटा, वह स्वयं भी तो शिक्षित नहीं है ना। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा कि लड़कियां हर दिशा में कामयाब हैं। ज्ञान के अभाव के कारण ही वह संदेह में होंगे कि लड़कियों के लिए शिक्षा कोई महत्व रखती भी है या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपको पढ़ाना ही नहीं चाहते या वो आपसे प्यार नहीं करते। प्रिया, मुझे वो दिन बहुत बार याद आता है जब तुमने कक्षा में सबको अपने पिताजी के बारे में बताया था कि कैसे वो तुम्हें बचपन में अपने कंधे पर बैठा के ले जाते थे, तुम्हें स्कूल छोड़ करके आते थे। मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगा था। जी मैम, वो दिन याद करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पता है प्रिया, जिस दिन तुम शिक्षित हो जाओगी और आत्मनिर्भर हो जाओगी, उस दिन तुम्हारे पिताजी तुम पर बहुत गर्व करेंगे कि उनकी बेटी ने उनका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा होगा मैम? क्यों नहीं होगा प्रिया, तुम्हारा प्यास उनकी सोच को बदल सकता है। मैम, अपने अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाऊंगी कि मैं अपने पापा को गर्व महसूस करा सकूं। मैं उनका सर फक्र से ऊंचा कर दूंगी। शाबाश प्रिया, ये हुई ना बात। मैम, थैंक यू मुझे समझाने के लिए। अब मेरे मन में कोई शंका नहीं रही। मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनको उनकी बेस्ट बेटी बनकर दिखाऊंगी। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर प्रिया, तुम अपना बेहतरीन प्रदर्शन करोगी और अपने पिताजी के साथ साथ हमें भी गर्व महसूस करवाओगी, है ना? बिल्कुल मैम, मैं ऐसा ही करूंगी। दिस इज सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। फर्स्ट प्राइज गोज टू प्रिया। नमस्ते, मैं प्रिया की काउंसलर हूँ। नमस्कार मैडम। पिताजी, मुझे पहला इनाम मिला है और विज्ञान के क्षेत्र में मुझे काम करने का अवसर भी प्राप्त होगा।
शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुम पर गर्व है। मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया है। से मैं हमेशा तुम्हारी आकांक्षाओं को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा। काउंसलर मैडम, आपका धन्यवाद। आपने मेरी बेटी को दिशा दिखाई ताकि वह अपने सपने को साकार कर सके। मुझे बेहद खुशी है कि प्रिया ने जो काम करके दिखाया है वो सराहनीय है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, चाहे परिवार हो या समाज। और प्रिया, तुम भी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में, सबके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहना, जैसे तुम अब तक जुड़ी आई हो। ठीक कहा काउंसलर मैम आपने, हमें एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहना चाहिए, जिससे हमारे सारे संबंध मधुर ही रहें। बार फिर आपका धन्यवाद। थैंक यू मैम। अब मुझे चलना चाहिए। प्रिया, हम स्कूल में फिर मिलेंगे।